Hey guys, this is me Sahil and you guys are watching my YouTube channel. This is the first video I am shooting the postcard in my YouTube channel. आज हमारे जो गेस्ट है YouTube चैनल पर आने वाले जो कि हमारे काफी अच्छे दोस्त है, हम मिले थे एक गैलेक्सी मॉल में, एक क्रिएटर का इवेंट था एंड वहाँ पे हम मिले थे एंड मुझे पता नहीं कि इतना अच्छा टाइम ड्यूरेशन में हमारा इतना अच्छा वाइब्स मैच होगा। आज की वीडियो में हमारे गेस्ट को बुलाने वाला हूँ। सो गाइज मेक सम नॉइज एंड प्लीज वेलकम साजिद भाई। साजिद भाई कैसे हो? बढ़िया आ रहा हूँ। साजिद भाई अभी हमारे साथ आ चुके हैं, सो चलो इनके साथ एक प्रोडक्ट शूट करेंगे अच्छे से। काफी सारे फनी फनी क्वेश्चन है एंड सब कुछ इसी वीडियो में आपको मजा आएगा। एक इंटरेस्टिंग चैलेंज भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहो। चैलेंज कहाँ पे भी वीडियो के अंदर आएगा एंड आपको उससे 100 रुपीज जीतने का मौका मिलेगा। सो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस फाइनली साजिद भाई अभी हमारे साथ है। तो साजिद भाई पहले आपका जो भी इंट्रोडक्शन है हमारे ऑडियंस को प्लीज बता दो। हेलो, मेरा नाम साजिद शेख, मैं रहता हूँ हरंगुल में और मेरा ये छोटा मोटा दुकान है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। 5 साल से काम कर रहा हूँ इधर। यहाँ पे मैंने बहुत सारा अपना लेवल से कमाई किया है। तो गाइस बेसिकली भाई का एक शॉप है जो कि हरंगुल स्टेशन जो है उसके एक अंदर साइड ही लोकेटेड है एंड काफी अच्छा सा शॉप है। अभी आप लोग देख सकते हैं एक मोबाइल शॉप है एंड चलो कुछ क्वेश्चंस एंड बातें करते हैं। साजिद भाई अभी आपका एजुकेशन के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को शेयर करो, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि हमारे जो पॉडकास्ट में गेस्ट भी है उनका एजुकेशन वगैरह क्या है। सो प्लीज। सेकंड ईयर हो गया है, सेकंड ईयर ऐसे छूट गया मेरे को पता ही नहीं चला। बीच में काम और थोड़ी जिम्मेदारी आ गई मेरे पे, तो मैं सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई नहीं किया। यहाँ तक मेरी पढ़ाई हो गई है। से कौन से कॉलेज से हुआ? चाऊ में था मैं, सेकंड ईयर तक पढ़ाई हो गई, उसके बाद कॉलेज बंद हो गया मेरा। कॉलेज बंद। वैसे शाओ में आर्ट्स का थोड़ा इन्वायरमेंट उतना ठीक नहीं रहता क्योंकि साइड की गलियों में कपल्स वगैरह रहते हैं, कुछ ऐसा सीन है। कपल का उस टाइम में कुछ उतना नहीं था। हाँ उस टाइम में उतना अच्छे थे पढ़ाई। yes. मेरा कुछ प्रॉब्लम के लिए मैं ज्यादा कॉलेज वगैरह जाता नहीं था, काम में वगैरह रहता था, इसलिए छोड़ दिया मैंने। जो भी अपने भाई है वो शाओ कॉलेज से बिलोंग करते थे, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह हुई एंड मेरा भी ग्रेजुएशन जो है वो शाओ कॉलेज से हुआ है। तो चलो भाई के कुछ कॉलेज की लाइफ के बारे में भी हो गया एंड भाई ऐसा कुछ सीन हुआ है क्या कभी कॉलेज में, कभी किसी के साथ झगड़ा मारामारी कॉलेज वगैरह? कॉलेज में सीन हो गया है पर हाँ? मैं तभी 12वीं में था। हाँ? जब दयानंद में था मैं, दयानंद कॉलेज, दयानंद कॉमर्स आर्ट्स साइंस, आर्ट्स में ही अपना लेवल। वहाँ पे ऐसा सीन हो गया था कि वो कॉलेज वो अलग ही था। हाँ। दयानंद बोले तो ना, थोड़ा दयानंद लड़ाई टाइप भी कॉलेज था, अलग ही वाइब है दयानंद कॉलेज का। वहाँ पे मैं 11वीं 12वीं के टाइम में हमारे दोस्त की इतनी लड़ाई हो गई थी, फड़ती फिड़ती जो रहती है। हाँ बेसिक वहाँ तक मारामारी हो गई थी हमारी। हाँ वहाँ तक। वाह। और वहाँ से हमारे एक दोस्त को वहाँ के लोकल दोस्त थे वहाँ के ही रह गए, वो लोग ने ऑटो में डालकर उसको लेकर गए। हाँ और वो बहुत मारा था उसको। वो कभी मैटर होता है ना दयानंद कॉलेज में, वहाँ के जो बच्चे हाड़गांव रोड साइड के बहुत डेंजर बच्चे, वो कुछ भी मैटर हुआ तो उनके साथ कभी झगड़ा नहीं करना। सो साजिद भाई एक फ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड कुछ ऐसे दोस्त है क्या आपके जो कि अभी आप कॉल करके बेस्ट फ्रेंड कितने पहले बता दो आपके? बेस्ट फ्रेंड तो गिनेंगे तो बहुत सारे हैं। हाँ। नजीक में 5-6 है अभी। 5-6 है अभी। तो ऐसा कोई आपका बेस्ट फ्रेंड जैसे कि अभी आप लाइव कॉल करके उनसे एक ज्यादा नहीं सिर्फ 200 रुपये आपके ऑनलाइन मंगा के ले लो, लाइव कॉल देखेंगे, लाइव कॉल कर देखेंगे आप। ठीक है, अमीर लोग भी है, गरीब लोग भी है और मिडिल क्लास भी है। हाँ, सबसे है। पहले आप ना थोड़ा हाई वाले एक को कॉल करेंगे लाइव में और स्पीकर पे फोन रखो। हाँ स्पीकर में देखेंगे क्या रिएक्शन आता है क्योंकि काफी सारे आजकल के जमाने में बहुत सारे दोस्त हैं बट जो भी मेन अड़चन वगैरह कब होगी आपको, कोई प्रॉब्लम्स में हो गए उस टाइम कोई नहीं आता, मुझे पता है कि मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ। सो अभी लाइव कॉल चालू है सो देखेंगे अभी क्या होता है। हेलो कुटा है? अरे जरा अकाउंट 200 रुपये पाठो तो उसका। हाँ बोल ठीक है चलते। हाँ ठीक है ठीक है चलो चलो ठीक है ठीक है। अभी दूसरा वाला टॉप लेवल का था, जो पैसे वाला दोस्त है वो ऐसे हरामी होते बट अभी देखेंगे, अभी काली मिडिल क्लास है अपने जैसे उसको लगाएंगे अपन देखेंगे। अभी एक दूसरा वाला फ्रेंड उसका क्या रिएक्शन आता है उनके लाइव लगाएंगे जो है वो जो है वो है क्योंकि देखेंगे। उठाओ भाई अकाउंट 200 पाठ जरा अर्जेंट। बस ठीक है अभी तो उसके अकाउंट में नहीं बता रहा, अपन ये जरूरत के लिए आप देता है कितना भी पैसा दे सकता है, 2 लाख भी मांगे तो दे सकता है बट अभी भाई के अकाउंट में बैलेंस नहीं है। गाइज एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एंड साजिद भाई आपके लिए भी क्वेश्चन है, जैसा कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो स्मोकिंग की आदत लगेगी। हाँ। जैसे कि आप शराब पियोगे तो शराब की आदत लगेगी बट ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप उसकी मतलब आदत लगाना भी चाहोगे तो उसकी आदत नहीं लगती? और ये जो सवाल है मेरा 100 रुपीज़ के लिए विद इन 24 आवर्स, अगर व्यूवर्स में से कोई भी देख रहा है उसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ध्यान से सुन लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो होना चाहिए जो कि अभी आपको यहाँ भी दिखता होगा इंस्टाग्राम अकाउंट,
एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, बस इतने तीन कंडीशन है। अगर इतने तीन कंडीशन आप फॉलो करते हो तो आप 24 आवर्स में जीत सकते हो 100 रुपीज़। एंड मुझे पता नहीं जितने कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे मैं उनको दे दूंगा, वो भी करेक्ट कमेंट होना चाहिए। तो साजिद भाई चलो सवाल तो सुन लिया आपने, तो पता वैसी कौन सी आदत है जो कि इसका आंसर तुम्हारे पास है? मेरे पास आंसर ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से सजेशन करना चाहता हूँ। सजेस्ट योर आंसर। काम बता रहे हो ना तुम? नहीं नहीं, आप समझो शराब पी रही, शराब की आदत, स्मोकिंग कर रही, स्मोकिंग की आदत। बट ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आप आदत भी लगाना चाहोगे बट वो आदत मिनिमम 90% लोगों को लगती नहीं, 10% आपको दूंगे। चलो मान, मेरे हिसाब से लग रहा है या तो काम रहेगा किसी, जिम रहेगा। जिम, क्योंकि मैं कराऊं, मैं वैसा वैसा हो गया आपके साथ? हाँ मेरे साथ हो गया। ठीक है, सो गाइस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बता सकते हो अगर 100 रुपीज जीतना है। फोन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो साजिद भाई आप भी एक यूट्यूबर हो एंड मैं भी यूट्यूबर, वैसे भाई के ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरे से, एंड यूट्यूब पे आने का रीजन बताओ आपका क्या है? यूट्यूबर तो नहीं, यूट्यूब मतलब यूट्यूबर मेरे से तो बड़े छे, पर यूट्यूब पे आने का रीजन क्या है? हु इज योर इंस्पिरेशन, मतलब किसकी जैसा बनना है इन फ्यूचर? यूट्यूबर तो भाई मैं नहीं है, पहली बात है, अपना छोटा मोटा काम है। मैं ऐसे मोबाइल का काम करता हूँ ना, तो मैं मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं मेरे से जो होगा मैं भी वही सोच कर यूट्यूब पे आया हूँ कि मेरे से लोगों का फायदा होना चाहिए, इसलिए यूट्यूब पर आया हूँ मैं। वैसा यूट्यूबर नहीं है मैं। So, YouTube से भी पैसा कमाया जाता है, ये आपको कैसे पता? YouTube पे मालूम होगा ना, YouTube पे सर्च मतलब किया तो। किसकी वीडियो देखी थी आपने फर्स्ट टाइम? मैं वीडियो देख रहा था अभी, उसका नाम अभी क्या है यार मेरे को याद नहीं आ रहा। उसके वीडियो मेरे को बढ़िया लगते हैं सबको, वो एकदम बेसिक सिखाता है, यूट्यूब के बारे में सिखाता है। उसकी वीडियो देख कर ही मैं सोच रहा था कि इस यूट्यूब पे आना चाहिए। सो एक बेसिक क्वेश्चन है एंड ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा मेरे प्रश्न है। हाँ, लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज आपकी अभी शादी हो चुकी है। हाँ, तो शादी के पहले लाइफ अच्छी थी या शादी के बाद? तो थोड़ा सा एक दो लाइन इस पे हो जाए। शादी के पहले जिम्मेदारी रहती नहीं सबसे पहली। हाँ, जिम्मेदारी मतलब फ्रीडम, कहीं भी घूमो कुछ भी करो, 10 बजे हो 12 बजे हो कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जिम्मेदारी इतना रहती है, 9 बजे आओ घर से फोन आता आ जाओ, देर हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, उसके लाइफ पार्टनर अच्छा मिला ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं शादी के बाद भी। मेन बेसिक वो मैटर करता है, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, अगर आपको समझ पाए अंडरस्टैंडिंग वगैरह, हाँ तो लाइफ इज बेटर। हाँ एंड गाइस ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, कैसे लगा मुझे पॉडकास्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साजिद भाई थैंक यू सो मच कि आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे लिए। सो गाइस ये था आज का वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और हाँ, चैलेंज दिया है मैंने, वो जरूर फॉलो करना मत भूलना। नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट है किसके साथ शूट करना, एक फ्रेंड चाहिए या कोई यूट्यूबर चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय।